दोबारा नहीं बनाऊंगी दोबारा नहीं बनाऊंगी मैं इस वीडियो को। पहले देखते हैं आज क्या करते हैं। तो क्या हाल है गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टर एंड मिसेस रिएक्शन। मैं हूं काजल, मैं हूं दीपक। भूल जाते हो लगता है मेरे को। तो आज की जो ये वीडियो होने वाली है, थोड़ी हटके होने वाली है, स्टोरी ऑफ ए जिन, आई ओपनिंग रिमाइंडर बाय राजा जिया उल हक। तो ये वीडियो का लिंक जो दिया हुआ ओरिजिनल वीडियो का, जाके वीडियो को देखो, अच्छी लगे सब्सक्राइब करो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो। जो वीडियो में रिएक्शन देना चाहते हैं, हमसे लेना चाहते हैं, तो वो कमेंट में लिंक शेयर करो ताकि वो ईजी हो जाए, बस और कुछ नहीं, रिएक्शन आएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, करें बिल्कुल। तो जिन पता क्या होते हैं, जिन जिन वो जो नेगेटिव एनर्जी होती है, हाँ, वैसा ही कुछ। तो उसी के ऊपर ये वीडियो है, बताया गया कि क्या होता है, तो स्टार्ट करते हैं। एक खातून का मुझे पहले मैसेज आया, फिर उन्होंने मुझे फोन किया कि मैं, उनका केस था और उनका केस इतना अजीब था, मैं आपको बताऊं कि वो ना, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस नोट्स भेजे और वॉइस नोट, लंबे लंबे वॉइस नोट्स, ठीक है। और वॉइस नोट्स के मामला ये था कि एक वॉइस नोट आ रहा है तो उसमें ऐसे बात करी कि मुझे बहुत प्रॉब्लम है, आवाज भी उनकी बड़ी ना अजीब सी हुई है, बहुत प्रॉब्लम है, और वो ना लग रहा है कि वो शी इज नॉट मेकिंग सेंस। और फिर वो बात करते करते ना, मतलब वॉइस नोट के अंदर खामोश है, मतलब आप यानी वॉइस बंद कर देना, आप वॉइस नोट बंद करते हैं, अगर आप बात नहीं करना चाहते आप बंद करें, दूसरा भेज दें, खामोश है, खामोश है, खामोश है, खामोश है, खामोश है। फिर वो बोलना शुरू करते हैं। अच्छा, फिर वॉइस नोट के दो चार भेजने के बाद लिखा टेक्स्ट आता है, आई कैन नॉट टॉक राइट नाउ, फिर वॉइस नोट आ रहे हैं। मैंने कहा बड़ा अजीब बिहेवियर था, वेरी वेरी स्ट्रेंज। अच्छा, उनको मैंने जब रेकमेंड किया ना कि आप नमाज में पाबंदी करें, अच्छा कुछ उन्होंने, मैंने उनको बताया जो बेसिक, जो मैं अभी बता रहा हूँ आप लोगों को कि जो बेसिक प्रिवेंशन है, उन्होंने कहा कि मैं नमाज पढ़ने के लिए जाती हूँ, मैं बेहोश हो जाती हूँ, आई कैन नॉट प्रे। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन यू कैन नॉट प्रे, कहती है मैं मुसल्ला पे जाती हूँ, वुजू करके आती हूँ, मुसल्ला पे जाती हूँ, मुसल्ले पे खड़ी होती हूँ, बेहोश हो जाती हूँ। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। उनको मैंने कहा फिर आप किसी और को से जो ना मेरी बात कराएं, आप पे कम होगा पहले, क्योंकि अभी आपके अंदर ना मसला कुछ और है, ठीक है। तो बिकॉज वो जो शैतान है ना, वो आपको नमाज पे भी नहीं आने दे रहा, क्योंकि उसको पता है कि जब इसने ये शुरू कर दिया ना डिफेंस, इसका जो है ना वो जो ना मेरा उस पे से जो असर टूट जाएगा, ऐसे बंदे को कुरान सुनाना चाहिए, तो उसका फिर दम होता है, उसका फिर रुकिए। और वो मैं कहता हूँ कि फैमिली मेंबर्स खुद कर सकते हैं, ये ना सोचे कि कोई पीर बाबा हजरत मौलाना साहब खुद करें, तो रुकिया कर सकते हैं, दम कर सकते हैं। फिर और बहुत सारे क्योर्स हैं जिसमें हम लोग मतलब कलवंजी के जरिए भी हम कह देते हैं, आप जमजम के जरिए भी है, पानी जो बारिश का होता है उसके जरिए भी है, मतलब बहुत सारी चीजों पे दम वगैरह करके इस्तिगफार करें अपने रब से, गुनाहों यार मुझे बहुत ज्यादा जो प्रोफाउंड एक हदीस लगती है ना वो सूरत अल बकरा के बारे में, कि यार इसके आगे जादूगर बेबस है, बस कितनी बड़ी बात है। मुझे कॉल आई थी जिसमें ना एक खातून थी और कह रही थी कि मुझे ये इश्यूज हैं, मुझे बहुत सारे वसवास आते हैं, खून के छींटे, फटे हुए कपड़े, वो सारे जो हम सिम्पटम्स में बताएंगे क्या होता है, तो बताए। तो मैंने कहा खुरा बकरा पढ़े, कुरान पढ़े, आउद बिल्ला मिन शैतान जी बड़ा करें, कहते हैं अच्छा, कहते हैं रैंडमली ना मेरे मुंह से अजीब सी आवाजें निकलना शुरू हो जाती हैं और मुझे ना उल्टी टाइप की आवाज आने शुरू होती है। तो मैं जब उनको ये बता रहा था ना, तो कहती हैं मतलब आवाजें नहीं निकालना चाहता वो वाली, वो ऊंची ऊंची आवाजें निकलने शुरू हो गई उनके मुंह से ना। अच्छा, तो मैंने फिर उनपे रोक लिया और मैंने कहा कि आप ना फिर ट्रीटमेंट सारा भेज जाओ उनको, सारा बताया क्या, फिर रोने शुरू हो गए बेचारी, कहती है देखिए मेरे साथ क्या हो रहा है, और वो ना वो जो आवाज है ना इतनी मोटी और भारी थी ना उनके मुंह से निकलने शुरू हो गई। अगर एक बंदा लेट्स सपोज के उसके ऊपर पोजेशन हुई भी है, तो सबसे पहली बात हमने की कि अगर वो घर के अंदर सूरत बकरा की तिलावत करता है, रोजाना ये पढ़ता है, जिक्र करता है ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक ला, उसके अलावा ये कि जितना ज्यादा वो घर के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो उसको निकालनी पड़ेंगी, कुछ चीजें होती हैं जो मलाइका को अट्रैक्ट करती हैं, कुछ चीजें होती हैं वो शैतान को अट्रैक्ट करती हैं। जिस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिस घर में भी तस्वीर लगी होंगी और जिस घर में कुत्ते होंगे उस घर में फरिश्ते नहीं आते, क्योंकि अब आप बहस करें या जो मर्जी करें, नबी की हदीस अज़हर की बिल्कुल सही हदीस है, जिस घर में तस्वीरें लगी होती हैं एनिमेट चीजों की, लाइक फॉर एग्जांपल लोगों की पिक्चर्स लगी हुई हैं, जानवरों की तस्वीरें लगी हुई हैं, तो ये अगर आपके घर में है तो वो रिमूव करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर था, जिब्रील अलैहिस्सलाम नहीं आए, नबी घर नहीं आए तो हमारे घर क्या है, हमारे घर। तो और ये है कि अगर कोई बंदा खुदा ना खासा ऐसे मसले में पड़ गया है तो उसके ऊपर रुकिया करना चाहिए। रुकिया का मतलब है दम करना कुरान मजीद के साथ, मसनून दुआओं के साथ, अज़कार के साथ, उसमें फिर जिस तरह अजवा डेट्स की हम बात करते हैं, अजवा खजूर जो है, जो जिस तरह भी है, सो हम कहते हैं ना कि जो भी ये जिक्र करता है ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक ला, ये जिक्र शुरू करते हैं। उसके अलावा अजवा डेट सुबह के टाइम अगर आप साथ खाते हैं तो उस दिन के लिए जादू से और जो है जहर से आप बच जाते हैं। समटाइम्स अल्लाह ताला ना किसी को झंझोड़ता है,
कि तू किधर जा रहा है, और वो इसलिए करता है क्योंकि अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है तो टेस्ट देता है. Exactly. तो टेंशन सर कुछ चीज नहीं होती, टेंशन कुछ भी नहीं है, आपको कोई टेंशन नहीं. इंशाल्लाह अल्लाह ताला, अगर मैं जब तक अल्लाह ताला के दीन फॉलो करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी मामला होगा अल्लाह मेरे साथ है, जो भी है अच्छा है बुरा है जो भी है, इसमें से कोई ना कोई खैर जरूर निकलेगी. एंड वेट फॉर दैट खैर टू हैपन. कैसा लगा सुन के? मेरे को तो सही बताऊं सुनने में डर सा लग रहा था. मेरे को खुद है दोबारा नहीं बनाऊ दोबारा नहीं बनाऊंगी मैं इस वीडियो में. और क्या सुन के मतलब मेरे से नहीं सुनी जाती ऐसी चीज. तुमसे मूवी दिखा लो. है मैं मूवी अच्छा मैंने छोड़ दिया मूवी, पहले देखती थी. ये डरावनी मूवी दिखा लो तुम्हें. देखती कहूँ मैं अब नहीं देखते, पहले देखते थे. पहले देखती थी रात को लाइटें बंद करके. अच्छा अच्छा मेरे से तो बिल्कुल भी मेरा सुना नहीं जाता तुम देखने की बात. खुद डर गया देख के, मतलब सुन के अजीब सा लग रहा था कि यार तुम्हें क्या क्यों निकाले. देखते आज क्या करते, हिम्मत जुटाई वाले भी दिखा के देखने की. बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी वीडियो बनाने में तुम्हारा बात बोलना. ठीक है, मिलते हैं. बनाऊंगी डर गया रात के सपनों में ना आ जाए तुम्हारे कुछ. आया तो तुम्हें नहीं छोड़ने वाली. बस मैं ही क्या. तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय. शब्बा खैर.